आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनसंपर्क अभियान के तहत मोनी कुमारी ने लोगों से किया संपर्क, जाना उनका हाल। जनपद संभल की 31 विधानसभा चंदौसी की सपा की संभावित उम्मीदवार मोनी कुमारी ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज बैजोई में होने वाले क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। साथ ही क्रिकेट मैच के आयोजकों को नगद धनराशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। सपा के संभावित उम्मीदवार मृदुभाषी और लोकप्रिय मोनी कुमारी ने जनसंपर्क अभियान के तहत कई गांवों का दौरा किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनकी बातों को सुना। जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देते हैं, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जनता की सेवा करूंगी। और जो चंदौसी के अंदर जो जितना भी गलत भ्रष्टाचारी चल रही है, मैं उसे खत्म करने का पूरा प्रयास करूंगी और 31 विधानसभा को नंबर वन विधानसभा बनाने का कार्य करूंगी। अच्छा, आज आपने दर्गा शरीफ पे जाके 11,000 रुपए दिए, कुछ टूर्नामेंटों में आपने लोगों को जीतने वाले खिलाड़ियों को और वहाँ के लिए चंदौसी विधानसभा के जहाँ भी कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो दर्गा शरीफ होए या मंदिर होए या युवाओं को कहीं ज़रूरत होती है, जैसे आज क्रिकेट टूर्नामेंट था तो हमने तीनों जगह पैसे दिए थे। एक जगह 17,000 रुपये दिए और दो जगह 5,100 रुपये देने का काम करा था हमने। लगातार हम जनता के बीच हैं और हमें मोनी कुमारी जी को अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेवा का मौका देते हैं तो ये नंबर वन विधानसभा बना के छोड़ेंगे। यहाँ से भ्रष्टाचार लूट सारा खत्म कर देंगे, सिस्टम से काम चलेगा, कार्यकर्ता का सम्मान होगा। हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, किसी को एहसास नहीं होगा कि मोनी कुमारी, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करेंगे अगर मौका मिला तो।